सर आइए तो वापस आइए, यहाँ सर आइए, क्या कर रहे हैं बताइए, कैसे हो वहाँ से नहीं बताइए, चलिए बढ़िया 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 बड़ी बड़ी हो गया रुक। बेगूसराय सिमरिया धाम पहुँचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर उन्होंने सिमरिया धाम में हो रहे 114 करोड़ की जो परियोजना थी, जिसमें सीढ़ी निर्माण से लेकर सौंदर्यीकरण का व्यवस्था था, उसका आज उद्घाटन विधिवत कर दिया है, जहां मौके पर तमाम एनडीए के कई एक नेता मौजूद थे। जहां देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सिमरिया धाम का यहां पर आज से शुरुआत नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, जहां पर गंगा आरती भी देखने को मिली। और जिस तरह से सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो फूल वगैरह पेड़ वगैरह सब लगाया गया है, और लंबा सीढ़ी है जहां पर से आप स्नान कर सकते हैं श्रद्धालु। और बड़ी बिहार के अलग अलग ज़िले से जो है यहां पर लोग स्नान करने आते हैं। सिमरिया धाम एक आस्था का घाट है, जहां पर लोग कई एक ज़िले से यहां पर शाही स्नान करने आते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 114 करोड़ का जो ये परियोजना है, ये पिछले साल 30 मई को शुरुआत हुई थी, और काफ़ी कम समय में जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये कार्य करवा कर एक बड़ा काम किया। और देख सकते हैं तमाम एनडीए के लोग भी यहाँ पर शामिल रहे, जहाँ पर संजय झा जो अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर राज्यसभा सांसद बने हैं, जिनके द्वारा है पिछले साल जन संसाधन मंत्री भी मंत्रालय भी उनके अंडर था, जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा था। और मौके पर देख सकते हैं माननीय सांसद गिरिराज सिंह थे, राज्यसभा सांसद जो हैं राकेश सिन्हा थे। दोनों पुल के बीच में जब निर्माण का कार्य संपन्न हो जाएगा तो इस पुल के उस पार मोक्षधाम का निर्माण होना है, जे जे जे। इस पुल के उस पार भी निश्चित रूप से विकास का कार्य होगा। आप इस पुल का इस स्ट्रेच का निर्माण जब पूर्ण होगा तो पूरे सिमरिया धाम का विकास होगा। और हमने तो लगातार उठाया है, सदन में आपने देखा होगा पहले ही सत्र से मैंने उठाया था कि सिमरिया धाम का जो विकास है वो हड़ी की पौड़ी के तर्ज पे किया जाए और सिमरिया से लेके कांवड़ झील तक एक पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ पे पर्यटकों के साथ साथ युवाओं के लिए, लोगों के लिए रोजगार के भी नए अवसर पैदा हों। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थल नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इतनी तरीके की आर्थिक गतिविधियाँ होगी कि लोगों के रोजगार के साधन भी बहुत होंगे। लोगों की मांग है जानकी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है लोगों की मांग जायज़ है। माँ जानकी का मिथिला की धरती है, माँ जानकी भी कहते हैं कि यहाँ से पार उतरी थी तो जानकी पौरी इसका नाम हो जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं होगा, तो पूरे मिथिला वासियों के लिए ये बड़े हर्ष की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 115 करोड़ की लागत से सीढ़ी घाट और धर्मशाला का 3 मंजिला निर्माण कर रहे हैं, और जो कल बासी मेला का जो दुर्दशा हुआ करता था उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस दुर्दशा से बचाने का काम किया, और ये हर की पौड़ी से भी बहुत ज़्यादा पीछे से सुंदर होगा, और यहाँ पर्यटक जो है देश लेवल पर होगा, और आने वाला समय में यहाँ रोजगार भी मुहैया होगा। इसके लिए बेगूसराय जिला ही नहीं बल्कि बिहार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई। आग्रह करती हूँ कि हमारे सभी माननीय आसन ग्रहण करें, थोड़ा हमको भी देखने दीजिए, हम आपको बताना है। उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ता राजेंद्र सेतु, साथ ही मान्यता भी प्राप्ति के लिए पर्ण कुटीर बनाकर रहती। सांसद आशा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीढ़ी जो निर्माण चल रहा है और यहां पर धर्मशाला जो बनकर तैयार हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है।